आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पृथला विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर राजाराम ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि अगर पृथला विधानसभा के लोग मुझे चुनते हैं तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो भी दावे किए हैं उन बातों पर खरा उतरेंगे। मैं पृथला विधानसभा के लोगों को कई साल से जानता हूं। मैंने पृथला विधानसभा के कई गांवों के लिए विकास के लिए 1 करोड़ रुपए राशि भी दिलवाई है। अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की 70 सीटें आएंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार आने वाली है और कम से कम कांग्रेस पार्टी को 70 सीट हासिल होंगी। पिछला हल्का मेरा अपना हल्का है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास, यकीन और भरोसा है। आदरणीय हुड्डा साहब मेरे ऊपर विश्वास करेंगे और उन्होंने जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब भी कहा था कि ठाकुर साहब सर्वे के आधार पर टिकट वितरित की जाएंगी और जैसी मेरी मेहनत है, जैसे मेरा विश्वास है, जैसे मैंने 36 बरादरी के कार्य किए हैं और पृथला तो मेरा अपना पुराना हल्का, मेरा अपना क्षेत्र है और मुझे विधायक बनने का मौका मिला, पार्टी ने टिकट दी तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार, महिलाओं के लिए 500 रुपये का सिलेंडर और वृद्धा पेंशन के तौर पर 6000 रुपये और SCBC के लिए 100-100 गज के प्लॉट 2 कमरे सहित और अपने खिलाड़ियों के लिए 3% का कोटा और सरपंचों के लिए पूरे अधिकार उनको बहाल किए जाएंगे। इसी तरह की चाहे को किसी भी वर्ग से संबंध हो, संबंधित हो, उस सभी के लिए विकास कार्य किए जाएंगे। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी नहीं है, कि तो नरक सिटी बना हुआ है। चाहे उसमें कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे सीवर की बात हो, कोई भी मुद्दा हो फरीदाबाद जिले का, हर आदमी हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और रही मेरे हल्के की बात पृथला क्षेत्र की, पृथला क्षेत्र में तो मैंने विधायक बगैर विधायक के भी मैंने 1 करोड़ रुपए दिए, चाहे उसमें जवा गांव हो, लडौली गांव हो, सागरपुर गांव हो, चाहे सोते गांव हो, चाहे लडौली गांव हो, चाहे नढ़ावली गांव हो, चाहे सुनपेड़ गांव हो, चाहे प्याला हो, चाहे अपना पहलादपुर हो, सभी गाँवों में मैंने जो है पूर्ण रूप से विकास कराया और हुड्डा साहब ने मेरे को मौका दिया पृथला हल्का के विधायक के तौर पर, तो मैं 36 बरादरी का विकास करूंगा और सभी गांवों को, बिल्कुल सभी गांवों में किसी भी तरह की कोई विकास की कमी नहीं रहेगी, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मुझे हुड्डा साहब पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि मेरे को एक मौका वो वापस देंगे। नहीं, कम से कम हमारी 70 सीट आएंगी और फरीदाबाद जिला सबसे ऊपर रहेगा। और अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा का, आदरणीय महेंद्र प्रताप जी को हमने पूरी मेहनत की है और मैं समाज का अध्यक्ष होने के नाते भी मैंने सभी 70 गांवों में मैंने दौरा किया और बड़े बड़े गांवों में मैं खुद गया। महेंद्र प्रताप जी मेरे साथ थे और हमने पूरी मेहनत की है और उनको अच्छी मात्रा में वोट भी दिलवाई।